बच्चों के नाखून कब काटे ताकि आपको परेशानी ना हो और उनके हाथ भी ना कटे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक रिव्यू करने जा रही हूँ नेल क्लिपर का। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब बच्चे को नेल काटते हैं, छोटे बच्चे को, तो सभी जानते हैं कि उनकी नेल्स काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और छोटे बच्चे के नाखून भी बहुत छोटे होते हैं और उनकी उंगलियां भी काफ़ी मुलायम होती हैं। तो हम लोग अच्छा नेल क्लिपर एक इस्तेमाल करें और किस वक्त काटे ताकि उनके हाथ भी ना कटे, क्योंकि जब वो बच्चे वैसे तो जगे हुए रहते हैं तो उनके नेल्स काटने में बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहली बात ये कि जब बच्चे सो रहे हों तभी नेल काटे, और क्योंकि जब वो हाथ जगे हुए रहते हैं तो हाथ इधर उधर करते हैं, हिलाते हैं, तो उनके उंगली कटने का डर रहता है। मैंने ये एक नेल क्लिपर अमेज़ॉन से लिया है, ये बेबी का है, और ये क्लिपर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने एक लोकल भी लिया था नेल क्लिपर, तो उसका जो कटर था वो भी ठीक ठाक ही था, लेकिन उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपको यूज़ करने के बाद अपना रिव्यू बता रही हूँ कि मुझे कैसा लगा ये। तो इसमें एक आप देख रहे हैं कि एक मैग्नीफायर भी लगा हुआ है साथ में। तो हम लोग पहले देखेंगे कि मैग्नीफायर कैसा काम करता है या नहीं। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, इससे इमेजेस कैसे आते हैं। तो देखते हैं इमेज पहले। अभी मेरा बेटा 7 मंथ का हो चुका है और आप ये देखिए, मैंने मैग्नीफायर लगाया है तो आप देख सकते हैं कि साइज़ बड़ा दिख रहा है आपको, तो नेल्स भी बड़े दिख रहे हैं। ये देखिए, तो आप चाहे तो मैग्नीफायर का इस्तेमाल करते हुए भी नेल कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी अपनी ये करने की एक कला भी कह सकते हैं, मुझे उतना अच्छा या मतलब मुझे उतना सपोर्ट ये मुझे तो नहीं लगा, लेकिन मैंने जब विदाउट मैग्नीफायर भी इसे अगर यूज़ किया है तो भी मुझे ये जो इसका कटर है काफ़ी अच्छा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेल्स काट लेता है, कटता है। तो पर्सनली मैंने इसका रिव्यू इसीलिए किया है ताकि मैं आपको बता सकूं। ये भी सोया हुआ है और जब भी ये सोता है तो बच्चे जब सो रहे होते हैं तभी उनके नेल्स काटने चाहिए ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।